हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय रेलवे दिल्ली से कई अन्य शहरों के लिए लगभग 40 जोड़ी अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने इन विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। यदि अनुमति दी जाती है तो रेलवे जल्द ही इन ट्रेनों की घोषणा करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ के हिसाब से माने तो इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के तरीके और जाँच, पर्याप्त साधन खर्च आदि इन ट्रेनों चलने से पहले तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ठहराव और मार्ग के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इन विशेष ट्रेनों को नियम रूप से साफ किया जाएगा और यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए इन ट्रेनों के टिकट 120 दिन पहले खरीदे जा सकते हैं। इन ट्रेनों में तत्काल सिस्टम के तहत कुछ सीटें भी रखी जाएंगी। और ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेंगी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो ट्रेन जो चलेंगी वो नई दिल्ली से अमृतसर, पुरानी दिल्ली से फिरोजाबाद, पुरानी दिल्ली से फिरोजपुर, दिल्ली सराय रोहिल्ला से पोरबंदर, दिल्ली से भागलपुर, नई दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से गाजीपुर सिटी ट्रेन से बलिया तक, और जो दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन होंगी वो होंगी जोधपुर से दिल्ली, कामाख्या से दिल्ली, डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली, इंदौर से नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर से आनंद विहार, कोविद कोच या ट्रेन पुरानी नई दिल्ली जाएगी, हबीबगंज से नई दिल्ली, लखनऊ से नई दिल्ली, मधुपुर से पुरानी दिल्ली, दिल्ली के रास्ते से ट्रेन कोटा, देहरादून, नंदा देवी, त्रिभुगढ़ से अमृतसर, त्रिभुगढ़ से लालगढ़, मुजफ्फरनगर से पोरबंदर और यशवंतपुर से बीकानेर तक ये ट्रेनें चलेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।